हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अभी सुबह की बज रही है 7। सुबह की 7 बज रही है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं बैठी हुई थी तो सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विद मीनाक्षी में। ऐसा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ और अभी बस जस्ट मैं यहाँ पर बैठ के चाय पी रही थी और अभी हल्की हल्की ठंड भी हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की ठंड है। और अभी मैंने चाय बनाई, थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई तो अभी वो पी मैंने। और आज मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, मार्केट जाऊंगी काम वाम करके घर का, तो दिन में हम लोग मार्केट निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मार्केट की तरफ निकलेंगे नाश्ता करके, फिर मिलते हैं आपसे। एक्सीलेटर पर पैदल एक्सीलेटर पर पैदल चलो। तो दोस्तों, मैं यहाँ शॉप पे आई हूँ और इनको बेड लेनी है और इनको पसंद ही नहीं आ रही है, बहुत देर हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हो? पसंद आ रही है? फाइनली इनको बेल्ट पसंद आ गई है और भाई ऐसे कटवा रहे हैं। मैंने तो ले लिया दो दिन, दोनों मैंने ले लिए ब्लैक और ग्रीन। चलते हैं हम घर को कराने के बाद। इसमें ब्लैक है? ब्लैक नहीं है, हाँ ब्लैक नहीं है। हाँ खरीदना वाला बहुत बड़ा है। कितने किलो का हुआ है? थ्री के जी। अरे मुझे पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि ताजे नहीं है, जैसे ताजे नहीं है ना। कौन जीतता है? मम्मी मम्मी मैं तो खींच के नहीं रहा। उन्होंने थोड़ा बहुत खेला और ट्यूशन से आए वो, तो मतलब 2 घंटे ट्यूशन हो गया, फिर थोड़ा बहुत घर पे भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन मतलब काफ़ी आज तक वो कभी ट्यूशन नहीं गए, मैं ही उनको पढ़ाती थी। और अभी मुझे टाइम नहीं मिलता उनको पढ़ाने का, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इनको ट्यूशन भेजना चाहिए। तो 2 घंटे वो ट्यूशन जाते हैं और
थोड़ा बहुत घर में मुझसे जितना होता है उतना मैं करती हूँ, बाकी वो पढ़ लेते हैं खुद ही। और इसलिए ज़्यादा मतलब बर्डन भी आ जाता है, बच्चे कभी ट्यूशन नहीं गए तो एकदम से मतलब 2 घंटे भी पढ़ते हैं ट्यूशन, फिर घर में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो अभी वो बाहर बैठे हुए हैं दोनों, तो उनको फिर से अभी बिठाती हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है ना उनका इसलिए। और मैं अभी ना यहाँ पर अपना ही ब्लॉग देख रही थी दूसरे वाले फ़ोन पे, ये देखो ये ब्लॉग मैं देखती रहती हूँ अपने भी ना, अपने भी ब्लॉग मुझे खुद देखने पड़ते हैं तो अपना भी मैं देख रही हूँ। तो अभी अभी देख के फ्रेंड का फ़ोन आया कि सब्सक्राइबर 400 हो गए, मैंने कहा हैं 400 हो चुके हैं, थैंक यू सो मच सभी को, और 400 हो चुके हैं। तो वो बोल रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 400 हो गए हैं, अभी का दोस्त बोल रहा था अभी को। तो फिर मैंने अभी देखा तो सही में 400 हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे मैं कोशिश करूँगी कुछ नया करने की, कुछ वीडियो में नया दिखाने की, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। और आप लोगों की वजह से मैं 400 आज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं डिनर बना लेते हैं, मतलब मटर पुलाव के मिक्स वेज पुलाव बनाऊंगी आज। तो वो शेयर क्या करना है, मतलब ठीक है बना रही हूँ अभी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और इनको पढ़ने के लिए अंदर भेज देती हूँ। तो चलो बच्चों अभी तो फ्रेंड्स अभी शाम की बज रही है 8:15 और मेरे पास आए हैं आंटी और अंकल जी, और हेलो करो। हेलो हाय। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज है आंटी और अंकल जी की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगी। बधाई हो अंकल जी आपको भी। थैंक यू थैंक यू। 40 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो अंकल जी और आंटी जी से पूछते हैं कि इन 40 सालों में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब बच्चे बड़े हो गए, सब अपना अपना सेटल्ड हो गए, और आंटी अंकल जी हमारे साथ ही रहते हैं, मतलब हमारी ही बिल्डिंग में रहते हैं और आते जाते रहते हैं मेरे पास, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं। तो चलिए पूछते हैं आंटी से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिजी लाइफ रही, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने में उनकी परवरिश करते करते कब टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। अब एक दूसरे को टाइम देने का वक्त आया है। अरे ये बहुत अच्छा है, पता है बहुत सुंदर समय बीता, हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे, ईश्वर ऐसे ही, मेरी यही इच्छा रहती है बस। और अंकल जी बोल रहे हैं कि आपकी आंटी मुझे बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती है। और ये बात सच भी है क्योंकि आंटी अंकल जी की बहुत केयर करती हैं, और अंकल जी एकदम फिट हैं, और आंटी भी, आंटी के साथ तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हैं पहले, लेकिन अंकल जी आज पहली बार आए हैं हमारे, मतलब वीडियो में पहली बार आए हैं, और अंकल जी पहली बार आ रहे हैं आज वीडियो में मेरे। आंटी ने मेरे साथ बहुत, हमारे मीनू पड़ोस में रहती है, बहुत अच्छा नेचर है, भगवान ऐसे ही मुलाकात बनाए रखे बस। और अंकल जी ना मतलब मुझे याद करते रहते हैं, आंटी भी याद करती रहती है। मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरी बेटी ये है, बड़ी बेटी सबसे छोटी, समझ लो आप मुझे ना, सबसे छोटी कैसे समझ सकते हैं, बराबर की पड़ जाओगी तुम। हाँ मतलब बराबर की, हाँ इनकी जो लड़की है छोटी वाली वो भी मतलब सेम मेरी एज की होंगी, बड़ी वाली मैं तुम्हारी। हाँ आंटी अंकल मेरे पास आते रहते हैं, और मुझे मतलब आंटी अंकल आप यूपी से है ना। हाँ कानपुर, कानपुर से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है हाँ कोई अपना है यहाँ पे, और बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं यहाँ कोई है अपने हिंदी वासी, एक दूसरे वहाँ से जाते हैं नहीं, एक दूसरे से बातें शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगता है। और अंकल जी भी सुबह टहलने जाते हैं, कई बार मुझे मिलते भी हैं, अंकल जी भी मतलब अपने लिए बहुत टाइम निकालते हैं, वॉक करते हैं, बहुत बढ़िया लगा। और एक बार फिर से आंटी और अंकल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, यूट्यूब फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और केक हमने खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, काफी अच्छा था। तो चलिए अब कुछ थोड़ी बातें कर लेते हैं और जान लेते हैं आंटी अंकल जी आज डिनर में क्या बनाने वाले हैं। मैं तो कह रही हूँ यही बनाते हैं आज डिनर। बाय दोस्तों, बाय। सभी जो देख रहे हो सभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
सभी लोग सब्सक्राइब करो और मीनू को आगे बढ़ाओ। थैंक यू आंटी।